अस्सलाम वालेकुम पार्क व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पार्क व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मोहित हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं वो हुंडई की टूसों है। हम इसका जो है एक्सपर्ट रिव्यू कर चुके हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो साइट पर लगे हुए लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। बट अगेन हम कोशिश ये करते हैं कि यूज़र रिव्यू में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके सामने आए कि उनका क्या परचेज डिसीजन था, उन्होंने गाड़ी कैसे ली और उनको कैसी लग रही है। सो मोहित, ये आपने गाड़ी जो है आपका मॉडल किया है और आपने कब ली थी? ये 2020 मॉडल है, ठीक है, और ये हमने अगस्त में बुक कराई थी। अच्छा, जिस दिन यानी अर्ली बुकिंग शुरू हुई थी? जी, जिस दिन इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी उसके नेक्स्ट डे बुक करवा दी थी और ये हमें नवंबर में डिलीवरी मिली है। अच्छा, और प्राइस नई वाली मिली पुराने वाली मिली? अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी एड लगाएं, डे लाइट में पिक्चर्स लें, एड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर एड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। प्राइस हमें नई वाली मिली है, ठीक है। बेसिकली हमने बुक कराई थी पुराने वाली प्राइस में और नई वाली इसमें हमें नोटिफिकेशन आ गया था इंक्रीज का। और ये ऑल व्हील है? ये ऑल व्हील है, ठीक है। अच्छा, आपने जब ये गाड़ी अगस्त में ली उस टाइम मार्केट में स्पोर्टेज भी मौजूद थी लेकिन तब तक मेरा ख्याल एमजी नहीं आई थी। जी नहीं, एमजी नहीं आई थी। सही है। सो आप इस गाड़ी की जब कंसीडर, जब आप बाइंग के परचेज आपकी डिसीजन था तो आप और कौन कौन सी गाड़ी कंसीडर कर रहे थे? इसके अलावा हमने एक ही गाड़ी कंसीडर की थी, वो थी स्पोर्टेज, ठीक है, और स्पोर्टेज एक साल पहले की ही लॉन्च हुई हुई थी। सही है। लेकिन मुझे पर्सनली इसका ये ओवरऑल बेहतर लग रही थी गाड़ी। सही है। इसके ओवरऑल एक्सटीरियर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था, इस वजह से हम इस पे हमने स्पॉट किया था। ठीक है। अच्छा, ये आपको गाड़ी मिली नवंबर में और अब कितना चल गई है? ये अब तक चल गई 2700 किलोमीटर। अच्छा, अब 2700 किलोमीटर चलाने के बाद एक तो आपको क्या लगता है कि आपका फैसला सही था वर्सेस स्पोर्टेज, या अब अगर देखा जाए और मार्केट में गाड़ियाँ आ गई, प्रोटॉन X70 आ गई, MG आ गई, सो अगर आज आपको ये डिसीजन दोबारा लेना हो परचेज का तो आप क्या यही गाड़ी लेंगे या कोई और लेंगे? मेरे ख्याल से उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि सिर्फ दो ही थी गाड़ियाँ मार्केट में, स्पोर्टेज और हुंडई थी, तो उस हिसाब से फैसला बहुत अच्छा था। मैं ओवरऑल बहुत खुश हूँ, इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। सही है। ड्राइव एक्सपीरियंस, ड्राइव बहुत सॉफ्ट है और ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी चल रही है एज कम्पेयर टू पहले जब आप और गाड़ियाँ लेते थे उससे कम्पेयर बहुत अच्छी चल रही है गाड़ी। तो मेरे ख्याल से डिसीजन बहुत अच्छी थी इसकी। और अगर वो ठीक है उस टाइम तो ऑप्शन दो की थी, उस टाइम चार की चॉइस है MG, प्रोटॉन। ये अक्सर लोग मेरे से भी ये सवाल पूछते हैं कि जी आप बताएं कि इसमें से कौन सी बेहतर है, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आज आपको डिसीजन दिया जाए तो आप चारों में से क्या लेंगे? मैं Hyundai पे ही जाऊंगा क्योंकि मुझे ओवरऑल पता है कि कंपनी पीछे कंपनी बहुत बड़ी है इसके, ठीक है, इनका प्रॉपर सेटअप है, फैक्ट्री वगैरह। MG मैंने अभी तक ट्राई नहीं की चलाकर, स्पोर्टेज मैंने काफी चलाई है, सही है। लेकिन MG का भी मैंने सुना है कि इंपोर्ट हो रही है अभी, यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं हो रही मे बी, तो MG का मैं अभी कुछ कह नहीं सकता अभी, मेरे ख्याल से विद टाइम पता चलेगा उसके बारे में। आप उन लोगों में से नहीं है जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं कि जो कह रहे हैं जैसी भी देखी जाएगी, डीलरशिप नहीं है तो क्या हुआ, नहीं पार्ट्स नहीं मिल रहे तो क्या हुआ? नहीं नहीं, तो आपके लिए चीजें मैटर करती जी। अच्छा, और ऑल व्हील वर्सेस टू व्हील जब आपने ली थी तब भी कोई कंसिडरेशन आपने दी थी कि वैल्यू टू मनी आपको लगता है ऑल व्हील है कि आपने कहा बस मैंने फुल ऑप्शन लेनी है? नहीं नहीं, हमारा मैंने तब यही चॉइस थी मेरी, मैंने कहा था यार लेंगे तो फुल ऑप्शन ही लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी फ्यूल एवरेज आपको क्या मिल रही है? अच्छा, फ्यूल एवरेज इसकी विद इन सिटी हमें मिल रही है अराउंड 9 और 10 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, और मोटरवे पे मैं इस्लामाबाद लेकर गया हूँ तो इस्लामाबाद में इसकी मिली है अराउंड 11.7, 11.5, विच इज नॉट बैड, विच इज नॉट बैड, ठीक है। और जनरली गाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे, मतलब सर आपने बताया यू आर हैप्पी विद द परचेज, तो आपको कौन कौन से ऐसे साइलेंट फीचर्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या किसी आपको और किसी को कन्विंस करना हो कि आप ये गाड़ी लें तो इसमें क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं बड़े अच्छे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैनोरामिक, ठीक है, इसमें और इसका फ्रंट लुक, डे टाइम रनिंग वगैरह सब एडिट है, गाड़ी आगे से बहुत खूबसूरत लगती है, इसकी लाइट्स बहुत खूबसूरत, लाइट्स बहुत खूबसूरत है, उस वजह से मुझे ये एंटरटेनमेंट स्क्रीन इसकी पसंद आई थी। ये साइज एंटरटेनमेंट 10.1 जी, 10.1 है ये, काफ़ी मतलब मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया था। इसके अलावा ओवरऑल मुझे इसका इंटीरियर भी पसंद आया था, ओवरऑल गाड़ी की मुझे एक्सटीरियर की वजह से मैंने मेन परचेज की थी। अब वैसे इस गाड़ी को मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, तो लोग सवाल पूछते हैं जी स्पोर्टेज वर्सेस टूसों, सो अगर विद इन शेल देखा जाए तो दोनों गाड़ियों का इंजन, गियर, सस्पेंशन 100% सेम है, ग्लोबली एक ही कंपनी है। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि दोनों गाड़ियों में आपको किसकी लुक पसंद है। सो इंटीरियर वाइज मेरा अपना पर्सनल भी ख्याल है कि इसका इंटीरियर जो है वो स्पोर्टेज से ज़रा ज़्यादा नया लगता है, एंड एक्सटीरियर हर बंदे का अपना चॉइस है, जो ज़रा बॉयज जो है जो यंग लड़के हैं उनको स्पोर्टेज ज़्यादा पसंद आती है, मेरी उम्र के लड़कों को, लड़के तो नहीं खैर अंकलों को कह सकते हैं, मेरी उम्र के लोगों को जो है ये पसंद आती है, योर नॉड वन जो यंगस्टर होके भी उनको इसकी लुक पसंद आई है ज़्यादा। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी सीटिंग कैपेसिटी है आगे वाले तो ठीक है, पीछे अगर आप फैमिली के साथ, आपने बताया लॉन्ग पर ट्रैवल किया है, तो कितने लोग बैठ जाते हैं आराम से? इसमें आराम से मेरे ख्याल से 5 लोग बैठ जाते हैं, कंफर्टेबल, 5 लोगों के लिए कंफर्टेबल, ये कंफर्टेबल गाड़ी है।
ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, इसमें ग्रोला तो नहीं हाई ऑक्टेन वाला लाजमी है? नहीं नहीं, इसमें मैंने एक्चुअली 1000 किलोमीटर तक हाई ऑक्टेन ही रखा है। ठीक है, उसके बाद मैं अब तब से सुपर डलवा रहा हूँ तो कोई इशू नहीं आया गाड़ी में किसी भी तरह का। ठीक है, अच्छा हर गाड़ी के अंदर ना जनरली कई इशूज आते हैं, इसमें तो चले ग्राउंड क्लियरेंस का भी इशू कोई नहीं, हाइट वगैरह सही है, लेकिन हर गाड़ी के जनरेशन में कोई ग्लोबली नोन इशूज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यह स्पोर्टेज के भी अमेरिका में भी था, पाकिस्तान में भी एक गाड़ी को आग लगी, कल परसों पाकिस्तान में एक टूसों को भी लगी। सो आपको कोई टेंशन तो नहीं इस बारे में? जी मुझे एक्चुअली तो थी टेंशन इस बारे में, जो आग लगी थी मैंने होंडा से पूछा भी था तो उन्होंने कहा था जी कोई ना कोई हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या इशू है, सही है। तो लेकिन एज सच कोई इतनी बात नहीं है टेंशन की। ठीक है, तो दूसरा इसके अलावा इसमें एक चीज़ जो फेस की है वो ये है कि इसकी हेडलाइट्स में एक इशू है कि जब गाड़ी हम ट्रैवल करके आते हैं तो फॉग आ जाती है हेडलाइट, जैसे स्पोर्टेज में भी था, फिर वो कहते हैं इसको धूप में रख दें, जो वो इसमें धूप में रख दें तो धूप में रख दें आप, उसके अलावा आप मतलब कि शायद खुद थोड़े टाइम बाद चली जाती है फॉग, 3-4 घंटों के बाद, लेकिन वो फॉग आ जाती है। अच्छा, तो मेरे लिए खैर ये न्यूज़ है क्योंकि मेरे वाली टोसों में नहीं हुआ, नहीं मैंने किसी और से सुना, स्पोर्टेज का मैंने जरूर सुना था, बट अगेन आप यूजर और आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, सो कंपनी को इस बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, आपने 2400 किलोमीटर गाड़ी चला ली है तो आपने गाड़ी सर्विस भी कराई होगी? जी गाड़ी सर्विस भी कराई एक दो दफा। इसकी जो पार्ट्स की प्राइसेस हैं वो कैसी हैं? बिकॉज अगेन मेरा पॉइंट हमेशा होता है कि गाड़ी अगर सस्ती है और उसके पार्ट्स बहुत महंगे तो समझ नहीं आती। इस तरह स्पोर्टेज की जो हेडलाइट है वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, मुझे याद है 2 लाख समथिंग की थी शायद, तो इसके पार्ट्स आपको कैसे लगे, सर्विस कैसी है, सर्विस के बिल कैसे हैं? अभी तक तो इसकी एक सर्विस हुई है 1000 किलोमीटर वाली। ठीक है, तो वैसे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, तो पहली सर्विस एज सच अभी करवाई नहीं है। ठीक है, जिस पे मुझे पे करना पड़ा हो, तो इसलिए मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की जहाँ तक बात है तो वो मैंने बाहर से पता किया, वहाँ पे नहीं है अवेलेबल, सिर्फ कंपनी के पास अवेलेबल है। अच्छा ठीक है, और कंपनी से कोई आपने आइडिया भी लिया? नहीं, आइडिया मैंने नहीं लिया, लेकिन मैंने सुना है कि सेम प्राइसेस एज कम्पेयर टू किया, क्योंकि दोनों सेम गाड़ियाँ ही हैं ऑलमोस्ट, तो सेम ही ये मसला इन दोनों गाड़ियों के अंदर कॉमन है कि मतलब गाड़ी वैल्यू टू मनी है बट पार्ट्स मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो अगर मतलब वही बात है, अगर 50 लाख रुपए की गाड़ी है और उसकी 2 लाख रुपए की लाइट है, दैट कम्स आउट टू बी 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार। जी, उस वजह से इंश्योरेंस भी लाजमी है मेरे ख्याल से। हाँ, लोग इंश्योरेंस भी लाजमी कराते हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली जब पार्ट्स इतने महंगे हैं तो इंश्योरेंस करा लेनी चाहिए। एंड हमारे यहाँ पे जनरली मैं देखता हूँ कि लोग सड़कों पर पहले गाड़ी इंश्योर कराने पर इतना बिलीव नहीं करते, खासतौर पर वो लोग जो गाड़ी कैश पे लेते हैं। अच्छा, इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है? इसकी रजिस्ट्रेशन पड़ी है तकरीबन 125 के करीब करीब फाइलर के लिए। जी, इस्लामाबाद से। जी, इस्लामाबाद से करवाई थी रजिस्टर, मेरे ख्याल से तकरीबन 40-50,000 रुपीज़ का फ़र्क है लाहौर और इस्लामाबाद का। ले, आप कह रहे हैं लाहौर सस्ता है कि इस्लामाबाद? इस्लामाबाद सस्ता है। अच्छा, पहले ऐसा था, मेरी जो इन्फॉर्मेशन ऑन द कॉन्ट्ररी है कि अब जो है लाहौर और इस्लामाबाद तकरीबन बराबर है, और खासतौर पर जो इंपोर्टेड गाड़ी है उसमें इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन महंगी है, लाहौर की सस्ती है। तो अगर आप जितने भी यूर्स देख रहे हैं और वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और वो इसलिए गाड़ी इस्लामाबाद रजिस्टर कराते थे कि सस्ती होती है, तो अब केस उल्टा। अच्छा, और सालाना टोकन? सालाना टोकन मुझे इसका एक्चुअल अमाउंट पता नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने अभी रजिस्टर कराई है तो साथ ही ऑलरेडी पेड होगा, अगले साल आपको लगवाना, अगले साल पता चल जाए। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यार मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, इंसान की ख्वाहिश होती है कि यार ये भी इसमें होती तो बड़ा अच्छा होता? एक चीज़ मेरे ख्याल से इसमें मिसिंग है, वो है पार्किंग सेंसर्स। अगर वो होता तो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाता। मेरे एक दोस्त है, वो तकरीबन पिछले 6 महीने से ना मुझे रोज़ फ़ोन करके मेरे से मशवरा करता है मैं स्पोर्टेज लूँ कि ये लूँ, और अगर वो ये रिव्यू देख रहा होगा उसको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो वो मुझे हमेशा ही कहते हैं यार उन्होंने पार्किंग सेंसर क्यों नहीं डाले। मैंने कह रही मेरा मसला नहीं है, कंपनी से जाके पूछ। रेन सेंसर और पार्किंग सेंसर दो चीज़ों के बारे में परेशान रहता है वो। जी, और इसमें दो चीज़ें जो ज़्यादा है उससे, एक वो पेडल लाइट है जी, एक ये जो छोटे से फर्क है, एक इसका कंपस, कंपस है, और एक इसका वायरलेस चार्जर जो है। वायरलेस चार्जर, ये वायरलेस चार्जर जो स्टैंडर्ड है इसके अंदर? जी। अच्छा, मुझे तो बड़ी प्रैक्टिकल ऑप्शन लगी, मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है। मैं अपना फोन जो है जब भी कहीं जा रहा हूँ तो मेरा फोन होता है जी चार्ज नहीं हो रहा, अभी देखते हैं करता कि नहीं करता वैसे। सो ये शुरू हो गया चार्ज, शुरू हो गया। सो ये मेरा ख्याल से बहुत अच्छी ऑप्शन है, और खासतौर पर लोग जो है ना तारें संभालो और अपने चार्जर संभालो उसके ऊपर पूरा दिन लगे रहते हैं। अच्छा, एक मिनट, क्लीन एयर का ये लिखा रहा है, ये इसमें ये क्या ऑप्शन है? ये क्लीन एयर इनका कोई हुंडई का ही है यहाँ पे, कि इनका डिफरेंट कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम है गाड़ी का, तो ये उससे रिलेटेड है। मुझे ऐसे जिसकी इतनी डिटेल्स नहीं पता, सही है, लेकिन ये इन्होंने बताया था कि एज कम्पेयर टू बकाया गाड़ी में कोई इनका स्पेशल एक ऑप्शन है। बाकी तो मेरे ख्याल है दोनों गाड़ी में स्टैंडर्ड ऑप्शन है, लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स हो गई, पुश स्टार्ट हो गया, USB, और ये तमाम जितनी होस्ट ऑफ ऑप्शन है दोनों गाड़ियों में कॉमन है। सो द ओनली डिफरेंस वही है जो हमने किए थे कि एक तो उसकी एक्सटीरियर लुक इंटीरियर जो है वो फर्क है, और बाकी एक दो ऑप्शन का फर्क है।
एंड अभी मेरे ख्याल से मार्केट में अगर देखा जाए तो रीसेल की बात अभी बड़ी इनिशियल होगी, लेकिन क्या आपका ख्याल है कि इसके भी रीसेल कैसी है मार्केट? मेरे ख्याल से तो जो मैं अभी मैंने पहले स्पोर्टेज का जो देखा उसकी तो रीसेल काफ़ी अच्छी है, ठीक है, और इसकी भी रीसेल का मैंने वैसे एक दफ़ा पूछा था तो लोग मतलब कि वो रेडी थे बाय करने के लिए, मुझे मैं एक्सपेक्ट करूँ कि इसकी रीसेल काफ़ी अच्छी होगी। उसके पीछे शायद एक रीज़न ये भी है कि एक तो बुकिंग इतनी लेट हो चुकी हुई है बकाया गाड़ियों की, शायद लोग कहते हैं कि ठीक है अगर कोई और ऑप्शन मिल रही है तो वो ले लेता हूँ। हाँ बुकिंग ऑब्वियसली, क्योंकि इसको भी अगर आप लेना है तो पहले इसकी बुकिंग मेरा ख्याल है जून जुलाई अगस्त चली गई थी, बट अब वो डबल शिफ्ट पे चलेगी उनकी प्रोडक्शन, जो कि अच्छी न्यूज़ है, जो कि अच्छी। सो आई थिंक उसमें वो मई जून की तरफ फिर आ गई होगी। सो उस लिहाज से येस, अगर आप गाड़ी अभी बेचना चाहें तो मेरा ख्याल है जितने की आपने ली हुई है प्लस रजिस्ट्रेशन, आपके पूरे पैसे जो है वो सेफ रहेंगे, ठीक है। अच्छा, गाड़ी के मनोवरेबिलिटी शहर के अंदर घूमने के लिए, एक तो रोड कंफर्ट में वाइज कैसी है, बाकी जो है मनोवरेबिलिटी में कोई मसला तो नहीं है कि बहुत बड़ी तो नहीं है साइज़ में, ऐसा कोई इशू नहीं है? ऐसा कोई इशू नहीं, एक्चुअली कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है गाड़ी चलाने के लिए। मैं एक्चुअली इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ चलाते हुए, कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाएं तो बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, सही है, फैमिली के लिए, आपके लिए, खुद ड्राइव करें। लॉन्ग ड्राइव पे अंडर पावर तो नहीं फील होती? नहीं नहीं, अंडर पावर में एज सच मुझे नहीं फील हुई, शहर में भी नहीं फील हुई। मेरा पहला अप्रिहेंशन था दोनों गाड़ियों के बारे में, मैं कहता था कि शायद यार अंडर पावर हूँ, लेकिन मुझे लगा ठीक है, नहीं नॉर्मल है मेरे ख्याल से। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पावर है, नॉर्मल है पावर, ठीक है। अच्छा पावर ठीक है, ब्रेक्स के बारे में? ब्रेक्स मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि थोड़ी वीक है एज कम्पेयर टू इवन स्पोर्टेज की भी, इसी तरह की दोनों सेम है, दोनों जी वीक है, ब्रेकिंग वीक है, बहुत नीचे जाके पैड लगता है। हाँ जी, तो उसके बाद कभी कोई टेंशन तो नहीं कि लग जाएगी ऐसे कोई? वो होती है, जाहिर सी बात है कॉशियस होना पड़ता है, क्योंकि मैंने मोटरवे पे भी मैंने देखा और इधर विद इन सिटी भी ब्रेक का थोड़ा सा इशू है। सही। अच्छा, आपने बताया कि आप फैमिली के साथ लॉन्ग पे भी ट्रैवल करते रहे हैं, ड्राइव भी अच्छी है, पिक भी सही है, सो इसकी जो बूट कैपेसिटी है वो कैसी है अगर आपने फैमिली के साथ जाना, सामान वगैरह रखना? मेरे ख्याल से वो काफी अच्छी है, अराउंड 2-3 बैग्स इजीली आ जाते हैं, आ जाते हैं। बूट कैपेसिटी भी है ना जी? ऑटो बूट भी है और स्मार्ट टेल गेट सिस्टम भी है, ठीक है, जो कि आप जाकर उसके पास खड़े हो जाएंगे तो विद इन अ फ्यू सेकंड्स वो खुद ही ओपन कर लेगा ऑटोमेटिकली, तो स्मार्ट टेल गेट सिस्टम भी है, जो कि मेरे ख्याल से लेकिन थोड़ा खतरनाक भी है, क्योंकि कोई पीछे आगे खड़ा हो जाए गाड़ी अगर आपकी मतलब ओपन हो और एकदम टेल गेट ओपन हो जाए तो लग भी सकता है। सही है, तो मेरे ख्याल से मैंने इस वजह से वो ऑप्शन बंद रखी हुई है अभी गाड़ी में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके इंफोटेनमेंट के बारे में सवाल मैं भूल गया था पूछना, तो इसके अंदर स्क्रीन मिररिंग है, आपके पास एंड्रॉइड ऑटो है जी, एप्पल जो है कार प्ले है कि नहीं है? मुझे याद है मैंने रिव्यू किया था तो किसी ने नीचे लिखा था कि शायद मैंने गलत बोल दिया, कार प्ले नहीं है, एप्पल कार प्ले का मुझे पता, मैं एप्पल यूजर था नहीं इसलिए मुझे नहीं पता, एप्पल कार प्ले नहीं है मेरा, एप्पल कार प्ले नहीं, एंड्रॉइड ऑटो है, एंड्रॉइड ऑटो है और लोकल मैप भी इसके अंदर लोडेड है जी, लोकल मैप भी, लेकिन वो विद इन वो सेज आपके पास अवेलेबल है, अवेलेबल है जी। अच्छा, आपको इसका साइज जो है वो ठीक लगता है? मुझे थोड़ा लगता था कि यार ये ऑब्स्ट्रक्टिव है, रास्ता रोक रहा है या मेरी विजन को रोक रहा है, मुझे बल्कि इसका साइज काफी ज्यादा पसंद था, बस एक इशू है जो मैंने आपके भी रिव्यू में देखा था, वो ये था कि जब वीडियो चल रही होती है व्हाइल ड्राइविंग तो वो थोड़ा जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है, सिक्योरिटी फीचर नहीं इन्होंने एक्टिव किया, नहीं वो एक्टिव नहीं किया, वीडियो चल सकती है, आप YouTube प्ले कर लें। हाँ, वो तो गलत है, ये होना नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये तो एक सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर बेसिक है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये नहीं चलना चाहिए जी, वो एक यूट्यूब आपका प्ले कर लें, कोई और चीज आप प्ले कर लें तो वो प्ले कर रहा होता है, वो फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है ड्राइवर को, ठीक है। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप मिस करते हैं गाड़ी में, कह रहे मैंने गाड़ी इतने पैसे खर्चे हैं, यू आर हैप्पी विद द परचेस? मैं एक चीज से इंप्रेस हुआ था एमजी की, वो थी उसकी एम्बियर लाइटिंग, वो अगर मेरे ख्याल से इसमें होती तो गाड़ी बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से दैट वुड हैव बीन अ रियली गुड फीचर जो इसमें ऐड किया होता। सही है, मुझे उसका वो इंटीरियर पसंद आया, इंटीरियर ऑप्शन, इंटीरियर कलर, और मेरा ख्याल है इंटीरियर कलर एक दो ऑप्शन होती तो अच्छा होता, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि इसके अंदर भी फंकी रेड कलर होता और इसके अंदर एम्बिएंट लाइट चल रही होती जी, तो वो काफी खूबसूरत लगती गाड़ी। तो मेरे ख्याल है वो जो चीज़ है इसकी इंटीरियर का कलर और एम्बिएंट लाइटिंग, वो एक ज्यादा चीज है जो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है जी, बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। मेरा ख्याल है वैसे ये भी टाइम मेरा विद इटरेशन इसके अंदर भी डिफरेंट कलर ऑप्शन दे सकते हैं, और ये कोई कलर एक ऐसी चीज़ नहीं जो कि मेरे ख्याल मेक और ब्रेक हो, गाड़ी की जो बेसिक्स है ना कि उसका इंजन कैसा है, नेचुरली एस्पिरेटेड है, टर्बो है, पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर के लिहाज से कैसा चलेगा, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, डीलरशिप नेटवर्क कैसा है, तो ये तमाम चीज़ें जो है मेरे ख्याल लॉन्ग टर्म में आपकी गाड़ी की जो फिजिबिलिटी है या गाड़ी की जो वायबिलिटी है उस लोकल मार्केट के लिहाज से उसको बेहतर बनाते हैं। सो इनकी वैसे कितनी डीलरशिप है लाहौर में? मैं तो लाहौर में मेरे ख्याल से अराउंड अबाउट 3-4 हैं, इजीली अवेलेबल है जी, इजीली अवेलेबल है अराउंड डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे लोकेटेड, 3-4 होंगी अभी। और स्टाफ की जो है कर्टियस है नहीं है कैसा है? बिकॉज अभी मैंने नोटिस किया था हमारे यहाँ पे जब जनरली नई कंपनीज आती है ना तो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर वो जो स्टाफ के अंदर जो ट्रेनिंग है वो मुझे शुरू में लगता था थोड़ा फुकदान है, काफ़ी लोगों ने बोला, अभी फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आए। सो हुंडई का जो स्टाफ है वो कैसा है? मेरे ख्याल से कर्टियस है काफ़ी, और मेरे ख्याल से लेकिन अभी विद टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करेंगे, ठीक है, मार्केट के हिसाब से मतलब जिस तरह बकाया कंपनीज के स्टाफ हैं उसी तरह वो भी एडजस्ट कर जाएंगे, मेरा ये ख्याल। सही। अच्छा, मुझे इसके अंदर जो सेफ्टी फीचर्स हैं
एक तो ABS ब्रेक्स आ गई जी, इमोबिलाइजर की हो गई जी, बाकी एयर बैग्स कितने हैं इसमें? इसमें दो एयर बैग्स हैं, एक पैसेंजर और एक आपकी ड्राइवर सीट के लिए। ठीक है, और आपको लगता है कि ज्यादा होने चाहिए थे कम? ठीक है, मेरे ख्याल से बैग पे भी एयर बैग होने चाहिए सेफ्टी के लिए, पीछे वाले पैसेंजर। मेरा ख्याल है एक चीज है जिसमें MG इंसानों से बेहतर, उसके अंदर MG आया। हाँ जी, उसका मैंने ये सुना 6 एयर बैग्स दे रहे हैं वो लोग। सही। अच्छा, आपको जो गाड़ी जब डिलीवर हुई थी आप बता रहे थे कि शायद कोई डिले था उसमें? जी, उसमें डिले था एक्चुअली, क्योंकि ये अगस्त में बुक हुई थी तो इसकी जो डिलीवरी थी वो बनती थी अक्टूबर में। सही है, लेकिन मुझे ये मिली थी नवंबर के एंड में। उसके अंदर मैंने, क्योंकि कंपनी से कई दोस्तों का था, मैंने पता किया था, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि कोविड के बाद से ना जो पूरी दुनिया में सीज हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मसले मसाइल थे, जो फ्रेट थे वो ऊपर चले गए थे, वेजल नहीं मिल रहे थे, तो पार्ट्स जो थे उनके कई बीच में फंसे हुए थे जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन डिले हुई थी। दूसरी चीज़, उनकी जो प्रोडक्शन थी वो पहले सिंगल शिफ्ट पे थी तो अब डबल शिफ्ट पे चली गई, तो होपफुली इंशाल्लाह अब जिन भी लोगों की गाड़ियाँ आ रही हैं वो उनको टाइम पे मिल जाएंगी। सो व्यूअर, ये था आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राह से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको और आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप भी Hyundai Tucson खरीदना चाह रहे हैं, उसके बारे में, उसके फीचर्स की रिसर्च करना चाहते हैं, या ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं कि आपके रिस्पेक्टिव शहर में वो गाड़ी कितने की कॉस्ट करती है, तो पार्क व्हील्स के न्यू प्राइस सेक्शन पर जाएँ। वहाँ पर हम लोगों ने ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर के नाम से एक टूल बनाया हुआ है। अपनी मर्जी की गाड़ी सेलेक्ट करें, अपने शहर को सिलेक्ट करें और वो आपको विद रजिस्ट्रेशन आपके शहर के अंदर टैक्सों के समेत क्या कॉस्ट आपको गाड़ी की सड़क पे पड़ेगी वो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता देगा। ये था आज का रिव्यू, आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।